लेकिन एक व्यक्ति और सदमे में है और वो सदमा लगा है मेरठ के एक व्यक्ति को, और उनका यह मानना है कि षड्यंत्र करके उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्या उनके साथ षड्यंत्र हुआ है, जरा देखिए रिपोर्ट। हमने बाप ऑफ रोल से वेज पनीर रोल ऑर्डर करे, जिसके बदले इन्होंने हमें अंडे वाले रोल भेजे जो कि हमने मुगालते से खा लिए। बाद में हमें एक बच्चे ने बताया कि ये तो अंडा है, उसका फूड सैंपल हम पे है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर के सेवादार गुस्से में है, आरोप लगा रहे हैं कि उनका धर्म भ्रष्ट किया गया है। उनका दावा है कि उन्होंने मेरठ के जाने माने रोल की दुकान से वेज पनीर रोल का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें इसके बदले एग रोल दे दिया गया। इन्होंने जानबूझकर साजिश के तहत हमारे साथ यह धर्म भ्रष्ट करने का काम किया है। मैंने अपने जीवन में कभी अंडा नहीं खाया और कभी नॉनवेज अंडा शराब कभी नहीं पी मैंने। औघड़नाथ मंदिर के सेवादार नीतीश बुद्धि राजा ने एग रोल ऑनलाइन मंगाया था। सेवादार ने जिस दुकान से रोल मंगाया था वो मेरठ की बेहद लोकप्रिय रोल की दुकान है। डिलीवरी बॉय ने उन्हें रोल डिलीवर किया। इन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया था तो वो पहचान नहीं सके और पनीर रोल को समझकर एग रोल खा गए। अब इनका कहना है कि साजिश के तहत इनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। इस तरह का काम इन्होंने मेरे साथ घिनौना काम किया है, मैं इनको बख्शूंगा नहीं। जो भी कानूनी कार्रवाई सबसे सख्त होगी, चाहे मुझे लखनऊ तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। इनका आरोप है कि जो डिलीवरी बॉय इन्हें रोल डिलीवर करने आया था वो मुस्लिम था और रोल की दुकान में जो लोग हैं वो भी मुसलमान हैं, और इन लोगों ने साजिश के तहत उन्हें वेज रोल की जगह एग रोल खिलाया है। रोल्स में वेज के नाम पर इनको अंडे वाला रोल दे दिया गया है और इनका धर्म भ्रष्ट करने का कार्य किया गया। इस पता चला कि इसका ऑनर कौन है? रोक्सन है, ये नाम तो अभी ओरिजिनल नहीं लग रहा है, सही नाम पता चल रहा है पर आपको समझ जाए। वर्कर मिले शाहबाज और सरफराज, अभी जो वर्कर हैं वो शाहबाज और सरफराज, और पता चला है कि ये एक ही तवे पर अंडे वाले और बिना अंडा सब एक तवे पर बनाते हैं। मामला बुधवार रात का है। नीतीश बुद्धि राजा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वह एक शाकाहारी हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट से एक वेज रोल ऑर्डर किया था, परंतु वेज रोल आने के बजाय उनको एक एग रोल डिलीवर किया गया है जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है, इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हिंदू जागरण मंच ने भी इस मामले को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए रोल की दुकान के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।